आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। सीडीओ ने दिया बिजली विभाग को अल्टीमेटम, कटौती नहीं रुकी तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार। जनपद भदोही के कृषि विज्ञान केंद्र बेजवा में बुधवार को आयोजित किसान दिवस के दौरान बिजली विभाग पर सीडीओ यशवंत कुमार सिंह रौद्र रूप में नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता और किसान जनपद में बिजली व्यवस्था को लेकर त्राही त्राही कर रहे हैं। जब ऑफिसों में काम करने के दौरान हमें बिजली की दुर्व्यवस्था का सामना करना पड़ता है तो आम जनता तो और भी ज्यादा परेशान है। हालांकि सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने कहा कि शासन और प्रदेश स्तर से बातचीत करने पर पता चला है कि जितनी बिजली की मांग जनपद के विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है उतनी बिजली शासन स्तर से उपलब्ध कराई जा रही है। बावजूद इसके फॉल्ट के नाम पर बिजली विभाग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। सीडीओ ने कहा कि या तो बिजली विभाग अपनी लापरवाही में सुधार लाए अन्यथा जनपद के सभी एक्सीएन के खिलाफ शासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की अनावश्यक कटौती से न सिर्फ जनता परेशान है बल्कि अलग अलग ऑफिसों के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने किसान दिवस का शुभारंभ कर किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से कराने पर बल दिया। उप कृषि निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि कृषि यंत्रीकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि निवेश, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत ई केवाईसी न कराने वाले सहज जन सेवा केंद्र तक पहुँच कर ई केवाईसी कराएं। उन्होंने बताया कि स्टेटस में PFMS रिजेक्टेड के कॉलम में बैंक खाते को आधार से लिंक कराकर NPCI सीडिंग बैंक में कराया जाए। अवर अभियंता मुख्तार अली ने नहर, अमित सिंह ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा, सहायक अभियंता नरेंद्र यादव ने नलकूप, भूमि संरक्षण अधिकारी कमलजीत सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, प्रभारी CBO डॉक्टर राजेश कुमार उपाध्याय ने पशुपालन से संबंधित जानकारी दी। किसान AK चौबे, मल्लूराम बिंद, सीताराम यादव ने विद्युत कटौती सिंचाई समस्या उठाई जिस पर CDO यशवंत कुमार सिंह ने कहा कि रोस्टर में कटौती पर विद्युत अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। सहायक अभियंता विद्युत KK गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे की आपूर्ति सुनिश्चित है। रोस्टर 15 दिन में बदलता रहता है और गर्मी में खपत अधिक होने के कारण रोस्टर कटौती व्यवस्था बनी रहती है। हालांकि इस दौरान CDO रौद्र रूप में नजर आए और उन्होंने कहा कि यदि सुधार नहीं होता है तो किसान उत्पीड़न, जनता उत्पीड़न जैसी धाराओं में मुकदमा बिजली विभाग के खिलाफ दर्ज कराया जाएगा। पत्तूपुर में लकड़ी के खंभों को बदलने, ग्वाली में भ्रष्ट नलकूप बोरिंग का नवीनीकरण, रजवाहा माइनर की सिल्ट सफाई कराने की मांग रखी। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र कुमार त्रिपाठी व अन्य विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। कृषि विभाग द्वारा प्रत्येक महीने के तृतीय बुधवार को एक किसानों की गोष्ठी चर्चा और इनकी समस्याओं पे एक बैठक आयोजित की जाती है। तो आज इनकी समस्याओं को हम लोगों ने सुना है। विशेष रूप से बिजली विभाग की समस्या थी, इसके बाद नलकूप की है, सिंचाई विभाग की है, कुछ पशुपालन विभाग की भी समस्याएं थी। इन सभी विषयों पे चर्चा की गई है, संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और इन्हें किसान भाइयों को आश्वस्त भी किया गया है कि हम इस पर विशेष रूप से प्रयास करते हुए आपकी समस्त समस्याओं का समाधान जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको करेंगे। बिजली विभाग को आज आपके द्वारा बिजली विभाग को हमने विशेष रूप से आज चेतावनी दी है कि ये पूरे जिले की समस्या है, चाहे ज्ञानपुर के एक्सीएन हो चाहे भदोही के एक्सीएन हो। बिजली की आपूर्ति शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, स्टेट द्वारा इनको जितनी इनकी डिमांड है उतनी की जा रही है, लेकिन जिले में जो आपूर्ति ये लोग कर रहे हैं ये ट्रिपिंग समस्या बहुत बड़ी है। बिजली आधे घंटे 15 मिनट से ज़्यादा टिकती नहीं, कट जाती है। तो इन्होंने कहा है कि कुछ हमारे तार की समस्या लूज है, कट है, उन्होंने कहा इसको सुधार लीजिए अन्यथा मुझे आम जनता उत्पीड़न, किसान उत्पीड़न का मानते हुए मुझे आपके विरुद्ध FIR दर्ज करानी पड़ेगी। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें WhatsApp भी कर सकते हैं।